बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी फोर्थ लेक्चर विच इज़ अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड टॉपिक इंक्लूड इन दिस लेक्चर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ऑन पेज 118, 119 एंड 120 ऑन योर टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। वी आर फेमिलियर विद द नेचर ऑफ मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम। हमने मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर जो है ये बेसिकली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हमने नाम दिया था एटम्स का। यानी एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे एक मैटर जो है वो बनता है। हम कहते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ट आई। According to Dalton's theory, atom were considered to be ultimate particles which could not be divided any further. और Dalton theory ने हमने क्या कहा था कि atom वो smallest particle है जिसको हम further divide नहीं कर सकते। Our idea about structure of atom have undergone radical changes over the year. और ये जो हमारे पास idea था कि हम atom को further divide नहीं कर सकते, ये with the passage of time ये इसमें changes आती गई। क्यों? क्योंकि जब बाद में देखा गया तो atom के अंदर भी कुछ particles, कुछ sub atomic particles मौजूद थे। तो फिर हमने कहा था कि atom के अंदर भी sub atomic particle मौजूद होते हैं, atom जो है वो smallest particle नहीं है। तो a number of sub atomic particles have been discovered and the experiment which led to discover the electron, proton and neutron are described below. तो फिर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई वो हम इस लेक्चर के अंदर इनको पढ़ेंगे। लेकिन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एटम के अंदर ऑलमोस्ट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हम क्या करते हैं, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रही होगी फिगर 5.1। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं, या हम इनको कैथोड रेज भी बोलते हैं। तो अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड। बेसिकली इस ट्यूब के अंदर 2 जो है वो मेटेलिक रॉड्स होते हैं, जिनको हम एक को हम एनोड बोलते हैं और एक को हम कैथोड बोलते हैं। द ट्यूब इज़ फिटेड विद अ गैस, एयर और वेपर ऑफ सब्सटेंस एट एनी डिजायर प्रेशर। इस ट्यूब के अंदर हम या तो कोई गैस फिल करते हैं, मोस्टली यहाँ पे ये जो गैस यूज़ करते हैं ये हमारे पास नोबल गैसेज में से हम इनको यूज़ करते हैं, इनर्ट गैसेज इनको हम बोलते हैं, जैसे नियोन, आर्गोन, इस तरह की गैसेज हम यूज़ करते हैं, या हीलियम वगैरह। हम एयर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, कैथोड और एनोड को, हम कनेक्ट करते हैं विद बैटरी, और बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, यानी लो वोल्टेज बैटरी हम यूज़ नहीं करते। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड द प्रेशर इन साइड द ट्यूब। अब हमें कितना ही वोल्टेज रिक्वायर है वो डिपेंड करती है इस ट्यूब के ऊपर कि इस ट्यूब की लेंथ कितनी है। जितनी ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही हमें हाई वोल्टेज रिक्वायर है। सिमिलरली प्रेशर भी, जितनी आपके पास ट्यूब का साइज़ ज़्यादा होगा उतना आपको लो प्रेशर रिक्वायर है, क्योंकि जितना साइज़ ज़्यादा होता है तो कम प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज और प्रेशर है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। द ट्यूब इज़ अटैच टू अ वैक्यूम पम्प बाय मीन ऑफ अ स्मॉल साइज ट्यूब सो दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर। आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब लगी हुई है, बेसिकली यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा होता है जिसकी मदद से इस ट्यूब के अंदर जो गैस फिल है हम उसको रिमूव करके इसके प्रेशर को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट।
जब इस गैस के इस ट्यूब के अंदर गैस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, यानी हम कहते हैं कि जब प्रेशर मैक्सिमम होता है, तो अगर हम 5000 वोल्ट बैटरी से भी इसको वोल्टेज प्रोवाइड करें तो फिर भी इसके अंदर से करंट पास नहीं होता। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड एंड अ हाई वोल्टेज ऑफ 5000 to 10000 वोल्ट इज अप्लाइड, देन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस गैस के इस ट्यूब के अंदर से गैस की कुछ क्वांटिटी जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप जब निकाल देते हैं गैस, तो उससे क्या होता है कि इसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इस लो प्रेशर के ऊपर जब हम 5000 से 10000 वोल्ट जो है वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमें एक जो है ग्लो, एक लाइट नज़र आती है एट द एंड ऑफ द ट्यूब, यानी जब ट्यूब के एक साइड से हमें ग्लो जो है वो नज़र आती है, लाइट जो है वो नज़र आती है। व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस फर्दर टू अबाउट 0.01 टॉर द ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर। फिर हम फर्दर जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो ये जो ग्लो इसमें प्रोड्यूस हुई थी वो डिसअपीयर हो जाती है। सम रेज आर प्रोड्यूस विच क्रिएट फ्लोरिसेंस ऑन द ग्लास वॉल अपोजिट टू द कैथोड, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज and the color of the glow or the fluorescence produced on the wall of the glass tube depend upon the composition of the glass। तो थोड़ी देर के बाद वो जो glow produce होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब इनको ये जिस पार्टिकल या जिस रेज की वजह से ये ग्लो प्रोड्यूस होती है इनको हम बोलते हैं कैथोड रेज। इनको हम कैथोड रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रेज होती हैं बेसिकली कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं, इसलिए हम इनको कैथोड रेज बोलते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये जो ग्लो प्रोड्यूस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जो ग्लो प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसका जो कलर होगा, ये कलर डिपेंड करता है कि हमने इस ट्यूब के अंदर से कौन सी गैस फिल की है। जिस तरह की, जिस नेचर की गैस होगी, उस तरह की यहां पे हमें ग्लो जो है, लाइट जो है वो नजर आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी ये जो कैथोड रेज यहां पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन वर मेड बाई मैनी साइंटिस्ट एंड दे इस्टेब्लिश द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो बहुत सारे लोगों ने मिल के इन कैथोड रेज को स्टडी किया और उन्होंने फिर कैथोड रे की डिफरेंट प्रॉपर्टी जो थी वो एक्सप्लेन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। नंबर वन, कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है। इन 1895 जे पेरिन शो दैट व्हेन द कैथोड रे पास बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, द पाथ ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाज कर्व्ड डाउनवर्ड टू द पॉइंट 2 बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ये आपको फिगर 5.2 नज़र आ रही है, इसमें अगर आप देखें तो जब हम इन कैथोड रे को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो ये कैथोड रेज मूव करती हैं टुवर्ड पॉइंट 2। ये आपको स्क्रीन के ऊपर 1, 2, 3 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कैथोड रेज को पास करते हैं तो ये पॉइंट 2 की तरफ मूव करती है। In 1897, जे थॉमसन established their electric charge by the application of electric field। इन्हीं कैथोड रेज को फिर इन 1897 जे थॉमसन ने क्या किया, इन्हीं कैथोड रेज को उसने पास किया थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया, द कैथोड रे पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट टू पॉइंट 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट 3 की तरफ जो है वो मूव करती हैं। Thomson found that by carefully controlling the charge on the plate when the plates and the magnet were both around the tube, he could make the cathode ray strike the tube at point 1। फिर उसने क्या किया, थॉमसन ने एसी ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया और एज वेल एज उसी टाइम उसने मैग्नेटिक फील्ड भी जब अप्लाई किया तो उसने ये देखा कि ये कैथोड रेज ना तो पॉइंट 2 की तरफ जाती हैं और ना ही पॉइंट 3 की तरफ जाती हैं, जब बल्कि ये पॉइंट 1 के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं। इन अदर वर्ड, ही वॉज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाई अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पॉइंट 3 की तरफ मूव कर रही थी, जब उसने दोनों फील्ड एट द सेम टाइम उसने अप्लाई की तो उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या किया, कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से ये रेज पॉइंट 1 के ऊपर जाके स्ट्राइक करती रही। दैट टेंडेड टू बेंड द पाथ ऑफ द कैथोड रे इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से फिर हमें यह कन्फर्म हुआ कि बेसिकली कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास करते हैं तो ये मूव करता है टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट।
Number 2. They produce a greenish fluorescence on the strike the wall of the glass tube. These rays also produce fluorescence in rare earth and mineral. When placed in the path of these rays, alumina glow red and tin stone yellow. Second, इसकी property ये है कि अगर इन rays के रास्ते में हम कोई भी wall रख देते हैं या glass tube रख देते हैं या इसके अलावा हम कोई भी rare earth element या minerals अगर हम इनके पाथ में इनके रास्ते में रख देते हैं तो जब ये रेज इनके साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये ग्लो प्रोड्यूस करती हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसने बताया है कि अगर हम एल्युमिनियम रख देते हैं तो उससे जो ग्लो प्रोड्यूस होगी वो रेड कलर की होगी. सिमिलरली टिन जो होता है, टिन स्टोन अगर रख देते हैं तो उससे जो ग्लो प्रोड्यूस होगी वो येलो कलर की होगी. नंबर 3, कैथोड रेज कास्ट अ शेडो व्हेन अ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ. दिस प्रूव दैट दे ट्रैवल क्यू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फिस ऑफ द कैथोड. थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कैथोड रे के रास्ते में उसने कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. तो जब हम कैथोड रे के रास्ते में उसके पाथ में हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका शेडो क्रिएट होता है. शेडो क्रिएट होने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, जिसकी वजह से वो जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा था सेम उसी का जो है वो शेडो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है. तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज. नंबर 4, दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ. दिस शो दैट दीज रे पोसेस मोमेंटम. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज इन्फर्ड दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल हैव अ डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी. नंबर 4th पॉइंट ये है कि अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई पैडल या कोई व्हील रख देते हैं तो ये जो रेज जब उस पैडल या व्हील के साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो ये इसको रोटेट करती हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि ये रेज सिंपल रेज नहीं है बल्कि ये इनके अंदर पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं जब ये किसी भी चीज़ के साथ टकराती हैं. नंबर 5, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक एन एनोड पार्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास. सिमिलरली कैथोड रे की मदद से हम एक्सरे को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि फिगर 5.18 के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जब ये कैथोड रे स्ट्राइक करती हैं किसी भी मेटल टारगेट के साथ तो ये बेसिकली वहाँ पर एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. नंबर 6, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मैटर. सिमिलरली कैथोड रे को अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर फॉल करवाते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन कैथोड रेज फॉर्म अ कनकेव कैथोड आर फोकस ऑन अ प्लैटिनियम फॉइल इट बिगेन टू ग्लो. तो बेसिकली वो जो ग्लो प्रोड्यूस होती है उससे हीट प्रोड्यूस होती है. नंबर 7, कैथोड रेज कैन आयनाइज गैस. यानी अगर हम किसी भी गैस के ऊपर कैथोड रेज को फॉल करें तो ये कैथोड रेज क्या करती हैं, उस गैस को आयनाइज कर देती हैं, उसको आयन में कन्वर्ट कर देती हैं. नंबर 8, दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट. या सिमिलरली किसी भी चीज़ के अंदर केमिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि इनके अंदर रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है. नंबर 9, कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल लाइक एल्युमिनियम और गोल्ड फॉइल. हम इनको किसी भी मेटल फॉइल के अंदर से भी पास कर सकते हैं. एंड नंबर 10, द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शो दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन. तो ये जो जे जे थॉमसन था, इसने जब ई ओवर एम वैल्यू कैलकुलेट की इन कैथोड रेज की तो फिर हमें पता चला कि बेसिकली ये जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इनकी ई ओवर एम वैल्यू मैच करती थी विद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जे जे थॉमसन कंक्लूड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. स्टोने नेम दीज पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन. जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और स्टोने ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया. थॉमसन आल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू मैस रेशियो ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ही फाउंड दैट द ई ओवर एम वैल्यू रिमेन द सेम नो मैटर विच गैस वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब. ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली जे जे थॉमसन ने भी हमें यही बताया था कि जो भी एलिमेंट हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. सिमिलरली जब उसने डिफरेंट गैसेज यूज़ की और वहाँ से जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी ई ओवर एम वैल्यू फाइंड की तो उसने देखा कि हर गैस के अंदर जो जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं सबकी ई ओवर एम वैल्यू क्या है, सेम है. तो फिर उसने कहा कि बेसिकली ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. एज होमवर्क यू हैव टू राइट द आंसर
of the following question. Number 1, explain the discovery of electron. Number 2, write the properties of electron. और ये सारे ये दोनों क्वेश्चन आपने शीट्स के ऊपर लिखने हैं और फिर सबमिट करवाने हैं. अल्लाह हाफिज़ क्लास.